The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hello everyone. Namaskar. बातचीत कर रहे हैं आज हम आज का टॉपिक है हमारा रूमेटॉइड वर्सेस ऑस्टियोआर्थराइटिस. सो आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस एक टर्म है, एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है. अम्ब्रेला टर्म का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे प्रकार के आर्थराइटिस इसमें आ जाते हैं. तो इन्फ्लामेशन हो रहा है जहां पर भी, कहीं पर भी जॉइंट का, जब भी कोई भी हड्डी के बीच में, हड्डी हड्डी के बीच में जॉइंट जो होते हैं, चाहे यहाँ जॉइंट हो, चाहे ये छोटे जॉइंट हो, चाहे घुटने का जॉइंट हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे रीढ़ की हड्डी हो, उन सारे जॉइंट्स में कहीं पर भी कोई भी इन्फ्लामेशन हो उसे हम आर्थराइटिस बोल सकते हैं. यानी आर्थराइटिस इज समथिंग लाइक जॉइंट. आर्थ्रो मतलब जॉइंट. आर्थ्रोस्कोपी मतलब जॉइंट को देखना. आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. आर्थराइटिस वैसी ही एक चीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ना, आर्थराइटिस में कई सारे कारण होते हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब देयर इज सम रीजन व्हिच इज कॉल्ड रूमेटॉइड एंड देयर इज सम रीजन व्हिच इज कॉल्ड ऑस्टियो. नाउ ऑस्टियो मींस हड्डी से ही खुद स्वयं आर्थराइटिस हो रहा है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कॉन्सेप्चुअल बात है कि वहां पर वेयर एंड टेयर, प्रॉपर जो लाइफ में आपकी वेयर एंड टेयर होती है उसके वजह से होता है. ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ही जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं. दोनों ही एक ही आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन दोनों बीमारियां अलग प्रकार की हैं. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है. मतलब आप ही की इम्यून सिस्टम, आप ही की बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति आप ही के जॉइंट्स का विनाश कर रही है. और ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव डिजीज है, जो कि उम्र के साथ आपकी बॉडी का हर एक हिस्सा जो रीजनरेट होना बंद हो जाता है तो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. तो डीजेनरेटिव डिजीज इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो अगर हम ऑस्टियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें कि आपकी बॉडी खुद को अटैक कर रही है, सो ऐसे केसेस में, इवन दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी में पेन होगा, स्टिफनेस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी. लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इट कैन बी लाइक इन्फेक्शन. इन्फेक्शन है कहीं बॉडी में जिसका रिएक्शन है, जो आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन कर रही है. नॉर्मली वो इन्फेक्शन को मारना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी आप ही के सेल्स को, आप ही के हड्डी के जॉइंट के सेल्स को मार रही है. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर एंड टेयर सबसे कॉमन, मतलब सबको होने वाली बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस. मुझे भी होगा, आपको भी होगा. एक उम्र के बाद जॉइंट्स की एक एज होती है, एज खत्म, डीजनरेशन शुरू, डीजनरेटिव आर्थराइटिस. वो ब्रेकडाउन हो रहा है कार्टिलेज का, जॉइंट कैप्सूल का, वेयर एंड टेयर हो रहा है कि वजह से बोन्स एक दूसरे के रब करने लगती है एक स्टेज के बाद और दर्द होने लगता है, जोरदार दर्द, नसों का दर्द, बिकॉज नर्व्स इरिटेट होने लगती है यहाँ पर. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑटो इम्यून नहीं होता है, यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, यहाँ वेयर एंड टेयर है. लेकिन दोनों ही केसेस में आपको रिस्क समझने होंगे. सो दोनों ही टाइप के रिस्क एक बराबर है. फीमेल में वो ज़्यादा कॉमन है. दोनों ही ओल्डर एडल्ट्स में उम्र के साथ ज़्यादा दिक्कतें करते हैं. लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैमिली में रन कर सकता है. ऑल्दो हो रहा है किसी इन्फेक्शन के वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आने की टेंडेंसी जेनेटिक हो जाती है, जो आपके फैमिली में रन कर सकती है. तो अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको होने के चांसेस हैं. तो आपको छोटे से छोटे इन्फेक्शन को भी जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए. उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपके कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी है, किसी प्रकार की कोई डायबिटीज, अगर गाउट, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई जॉइंट में इंजरी हुई है, तो ऐसे चीज़ों से आपके जॉइंट आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जॉइंट में अगर कई कोई लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है, पेन है, स्टिफनेस है, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो फिर आप आर्थराइटिस के लिए चेकअप कराइए. अगर कोई सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, मॉर्निंग में ज़्यादा हो रहे हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टिपिकल फीचर्स. सो
रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हो गया, उसमें सिम्टम्स कैसे होंगे? ये एक सिस्टमिक डिजीज है, पूरी बॉडी में आएगा, सिर्फ जॉइंट में नहीं, तो आपके बॉडी, आपके लंग, आपके हार्ट, आईज, इनको भी इफेक्ट कर सकता है। अर्ली स्टेज में माइल्ड लो ग्रेड फीवर आ सकता है और मसल्स में पेन हो सकता है और फटीग ज्यादा हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। एडवांस स्टेज में आपको बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे लम्ब्स आ सकते हैं जॉइंट के आसपास, इसे रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। वो टेंडर दबाने से दर्द भी हो सकता है। सो देयर आर दैट। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये टोटली अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जॉइंट में सिम्टम्स होता है। सो जॉइंट डीजनरेशन हो रहा है, घस रहा है, उसके अंदर की साइनोवियल फ्लूइड, ग्रीस, वॉट एवर यू कॉल इट, कम हो रही है। सो जॉइंट इरिटेशन होने लगता है, तो वहां पे अजीबो गरीब तरीके से बोन ग्रोथ हो सकती है, एक्सेसिव बोन ग्रोथ हो सकती है, बोन स्पर बन सकता है, जो और ज्यादा रगड़ रगड़ के प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसमें भी थकावट तो होगी, लेकिन दर्द ज्यादा होगा पैरों में। दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। सो दैट इज देयर। सो ज्यादातर कौन से जॉइंट अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? छोटे जॉइंट्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स के जॉइंट्स, फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस में बड़े जॉइंट्स, शोल्डर्स, नीज, एंकल्स अफेक्ट हो सकते हैं रूमेटॉइड में। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल डिजीज है, मतलब ज्यादातर इस हाथ में हो रहा है तो इधर भी होगा, इधर ये उंगली है तो ये उंगली सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, ये शोल्डर तो ये शोल्डर, ऐसे दोनों जगह इफेक्ट होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑन द अदर हैंड इज नॉट सिमेट्रिकल, इज लेस सिमेट्रिकल, आपको अनइवन हो सकता है, लेफ्ट में ज्यादा, राइट में कम, ऐसा। और यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमनली आपके हाथ में और हिप्स में, स्पाइन में और घुटनों में पाया जाता है। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, दोनों ही आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट इसकी दर्द कम करो, आर्थराइटिस में जो जॉइंट का फंक्शन कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, उसको बढ़ाओ, और जॉइंट का डैमेज मिनिमाइज करो। उसके लिए कई सारे प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, ऑटो इम्यून दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ, कभी कभी स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं दोनों ही केसेस में हमें, और इम्यून सिस्टम्स के वजह से भी प्रॉब्लम। कई बार स्टीरॉयड इंजेक्शन जॉइंट में लगता है, कई बार हम जॉइंट कार्टिलेज बढ़ाने वाली जो कॉस्ट सिंपल सप्लीमेंट्स देते हैं उससे काम चला लेते हैं, फिजियोथेरेपी से काम चला लेते हैं। सो ट्रीटमेंट कैन बी सिमिलर। कुछ कार्टिलेज जिन चीज़ों से बनता है, ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, MSM, कार्टिज, कोलेजन टाइप 2, ऐसी चीज़ें हम डाइट में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं इन चीज़ों का। दैट इज देयर। और अगर आपको किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा दर्द है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं खूंखार सिम्टम्स, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके अपने स्पेशल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सो दिस इज द बेसिक अबाउट डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। याद रखिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देर इज अ डिफरेंस कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टमिक डिजीज है। ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले कई बार अपना घुटना रिप्लेस करा लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, और लिटरली वो बीमारी खत्म हो जाती है कायदे से। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा नहीं है, यू हैव टू लर्न टू लिव विथ इट, दैट इज देयर, और आपको लर्न करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंप्लीटली, ऑन टू द डेप्थ ऑफ इट, एंड देन स्टडी योर सेल्फ, स्टडी योर बॉडी, कि आपकी बॉडी किस चीज को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, किस प्रकार की दवा से आपके इन्फ्लामेशन कम हो रहे हैं, किससे बढ़ रहे हैं, ताकि आप अपनी बॉडी को बेस्ट टू बेस्ट केयर दे सको। राइट। सो अगर आप टेस्ट के बारे में बात करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में RA फैक्टर्स और ASO टाइटर्स कई बार पॉजिटिव आते हैं, 100% नहीं, याद रखिए, सिम्टम्स एंड साइंस और जो टिपिकल चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। अगर हम बीमारी को देखेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो जॉइंट लिटरली घस रहा है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, जॉइंट की स्पेस जो होती है वो कम होती जा रही है, फिर जॉइंट रगड़ रहा है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वेयर एंड टियर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट होता है, नॉर्मल जो जॉइंट होता है, उसके आसपास एक कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में द कवरिंग, द कैप्सूल इज बेसिकली गेटिंग हार्ड। मान लो ये दो जॉइंट, ये जॉइंट, ये कैप्सूल हो, है वो नॉर्मल कवरिंग टाइट होती जा रही है, इतनी टाइट हो रही है कि अब वो जॉइंट हिल ही नहीं पा रहा। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट कैप्सूल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। दैट इज देयर। सो याद रखिए, प्रिवेंशन इज
वेट कम रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, सही डाइट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, पोल्यूशन से बचे, स्मोकिंग बंद करें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीना है, स्ट्रेस कम लेना है, 8 घंटे की नींद लेना है, पानी खूब पीना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, एंड यू विल बी गुड। ऑलराइट।